प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर आप कैसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करें? देखिए, हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। ये व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। सभी एकादशियों में, साल में लगभग 24 एकादशी होती हैं, उन सभी एकादशियों में जो निर्जला एकादशी है सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। इसके पीछे कथा ये है कि सभी पांडव एकादशियों का व्रत रखा करते थे, लेकिन भीम जी को भूख बहुत लगती थी तो वो व्रत नहीं रख पाते थे। तो उन्होंने अपने गुरु जी से पूछा कि मैं कब व्रत रखूं, कैसे करूं, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता हूं क्योंकि मुझे भूख बहुत लगती है। तो उनके गुरु जी ने कहा कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो और निर्जल करो, यानी सूर्योदय से लेकर, एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक आप व्रत करिए तो आपको विशेष फल मिलेगा, सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा। इसीलिए ज्येष्ठ मास की इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो इस दिन जो लोग व्रत करते हैं उनको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप भी एकादशी के दिन व्रत रख सकते हैं, और व्रत रख करके, निर्जल व्रत रख करके यदि भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में जो कष्ट हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। निर्जला एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगला वीडियो अवश्य देखिएगा। अभी आपके लिए सलाह ये है कि बिना जल के अगर आप निर्जला एकादशी के दिन व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ये सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है, इसलिए निर्जला एकादशी का लाभ अवश्य उठाइए। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 को मनाया जाएगा। तो 31 मई के दिन आप निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करिएगा ताकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हो और आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है, तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें और पीले रंग के फल जैसे आम है, केला है, भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी के दिन अवश्य प्रसाद रूप में अर्पित करें तो आपको बहुत कृपा प्राप्त होगी। तो अगला एपिसोड अवश्य देखिएगा निर्जला एकादशी पर, जिसमें हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।